नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। दर्शकों, आज हम जानेंगे प्लेजरिज्म के बारे में। प्लेजरिज्म क्या है? कई बार हमने ये शब्द कई बार हमने सुना है और ये ऐसा शब्द है जो हमारे इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। हम सभी इस शब्द से कहीं ना कहीं वाकिफ रहते हैं लेकिन फिर भी वंचित रह जाते हैं और कहीं ना कहीं हम कन्फ्यूज़ रहते हैं इस शब्द को लेकर के कॉपीराइट और प्लेजरिज्म के बीच में। इसके बारे में और ज़्यादा बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्वेता उप्पल जी, जो कि पब्लिकेशन डिवीज़न में चीफ एडिटर है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं मीनाक्षी, जो कि पब्लिकेशन डिवीज़न में असिस्टेंट एडिटर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और मैम, ये शब्द लगातार हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ दिव्या, थैंक यू। आज का जो हमारा टॉपिक है प्लेजरिज्म, ये तुमने ठीक कहा कि ये हम लोगों ने ये शब्द कई बार सुना है जी। लेकिन मुझे लगता है अभी पिछले कुछ दिनों में इसका यूसेज काफ़ी ज़्यादा हो गया है जी। पिछले एक साल में मैं ये कह सकती हूँ कि लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं इस वर्ड से। अब प्लेजरिज्म होता क्या है, और आपने एक शब्द और बोला कॉपीराइट। कॉपीराइट और प्लेजरिज्म में फ़र्क हम ये कई बार मैंने देखा है कि जो हमारे पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले लोग हैं वो इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं जी। लेकिन ये फ़र्क है। प्लेजरिज्म होता है, ये एक लैटिन शब्द से आया है प्लेजराइज। प्लेजरियस का मतलब होता है किडनैप करना, किसी की चीज़ को चोरी कर लेना। हाँ, सही मायने में ये एक्चुअली चोरी ही है। हिंदी में कहें तो किसी साहित्य की चोरी, किसी की काव्य की चोरी। लेकिन ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है हमारे देश में, खास करके हमारे देश में मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि हम कल्चरली एक दूसरे से बहुत घुल मिल के रहते हैं, तो हम एक दूसरे की चीज़ों को लेना हमारे लिए एक नॉर्मल चीज़ है। तो हम ये भी नहीं सोचते, जब हम अपना कोई पेपर लिख रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, तो हम ये भी नहीं सोचते कि हमने किसी से परमिशन लेके ये करना है, या और कुछ नहीं तो हम उससे पूछ ही लें कि भाई, या उसको क्रेडिट ही दे दें कि भाई हमने आपका एक पैराग्राफ लिया था, हम उसमें उसको अपने पेपर में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम वो नहीं करते हैं। हम सोचते हैं चलो हमने पढ़ लिया, हो गया, अब हम अपने पेपर में लिख देते हैं। इस चोरी को डिक्शनरी बोलती है प्लेजरिज्म। हम ये करते क्यों हैं? वैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पेपर लिखने के टाइम या चैप्टर लिखने के टाइम, टाइम की कमी। हम ये सोचते ही नहीं है कि हमें पूछना है, हमारा हक ही है लेना, क्योंकि हमने तो उसके बारे में पढ़ लिया है। कई बार तो हम ये भी करते हैं कि किसी का पैराग्राफ लेते हैं, और क्योंकि हम पिछले कुछ सालों में थोड़ा अवेयर हो गए हैं कि हमने चोरी नहीं की, तो हम क्या करते हैं कि उनका लेके अपने शब्दों में लिख लेते हैं, उनका आइडिया लेके, और फिर बोलते हैं हमने लिखा है, हमारा पेपर है, वो भी चोरी है। कई बार हम क्या करते हैं, खुद ने एक अच्छा सा पेपर लिखा होता है, उसको एक किसी जर्नल में दे देते हैं या किसी को चैप्टर दे देते हैं, और उसमें वो छप जाता है। फिर हमें बोला जाता है कि भाई आप तो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो आप एक और पेपर लिख दीजिए। तो हम अपने ही पेपर में से लेके किसी और पेपर में उसको लिख देते हैं, पर हम ये नहीं बताते कि हम ये वाली चीज़ पहले कर चुके हैं। वो भी प्लेजरिज्म है। जो लोग पेपर्स लिख रहे हैं, जो लोग किताबों में चैप्टर्स लिख रहे हैं, वो ये ध्यान रखें कि दूसरों की चीज़ लेना ही प्लेजरिज्म नहीं है, एक तरीके का प्लेजरिज्म सेल्फ प्लेजरिज्म भी है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं जल्दी से आपको ये बताना चाहती हूं, हम ज़रा एक स्लाइड देख लें, स्लाइड नंबर 6 है वो शायद जी। कि क्या क्या चीज़ को हम प्लेजरिज्म कह सकते हैं जी। मैंने जैसे अभी बताया, किसी और के शब्दों को लेके अपने शब्दों में लिखना प्लेजरिज्म है। किसी की पेपर या किसी की कृति को हूबहू अपने नाम से लिख देना प्लेजरिज्म है। अपना ही काम क्रिएट किया हुआ, उसका पोर्शन लेके किसी दूसरे पेपर में लिखना लेकिन उसका सोर्स ना बताना, वो भी सेल्फ प्लेजरिज्म है। और
किसी और के काम को बिना सोर्स दिए उसका थोड़ा सा अंश लेके उन्हीं के शब्दों में लिखा है, वैसा का वैसा लिया है, पूरा नहीं लिया, सिर्फ एक पैराग्राफ लिया है, लेकिन वो भी प्लेजरिज्म है। कई बार अक्सर देखा जाता है कि हम कोई एक आर्टिकल लिखते हैं और उसको हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स हो गए या फिर अलग अलग जर्नल्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, उसमें पब्लिश करवाते हैं, तो क्या ये भी प्लेजरिज्म के दायरे में आता है? अगर आपने किसी और का काम ना लिखा हो लेकिन अपना खुद का आइडिया अलग अलग जगह पर पब्लिश करा, अगर हाँ अलग अलग हाँ ये पक्का इसी को ही सेल्फ प्लेजरिज्म कहते हैं। या तो आप अब देखिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ इसका, शायद दर्शकों को मजा आए सुन के। जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो एक साड़ी या किसी ढंग के कपड़े पहनते हैं, लेकिन ठीक है, तो हम वो वाले कपड़े रिपीट नहीं करना चाहते, तो हम कपड़ों के मामले में तो हम प्लेजराइज नहीं करना चाहते, लेकिन हमने जो अपने दिमाग से एक पेपर लिखा है उसको ही दोबारा लिखने के लिए हमें जरा से भी शंका नहीं होती कि ये प्लेजरिज्म है, हमारा सेल्फ प्लेजरिज्म है। लेकिन एक ही आर्टिकल को, मान लीजिए मैं द हिंदू पढ़ती हूँ, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, वो इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ती हैं, अलग अलग व्यूवर्स हैं, अलग अलग हमारे दर्शक हैं, उनके मुताबिक हम अगर अलग अलग न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करवाते हैं, तो ये किस प्रकार से प्लेजरिज्म के दायरे में आता है, क्योंकि हम उनके कॉन्टेक्स्ट में, बारे में शायद मीनाक्षी आपको बेहतर बता सके। जी मीनाक्षी, जैसा मैम ने भी सेल्फ प्लेजरिज्म के बारे में बताया और बहुत अच्छे से मैम ने डिफाइन किया उसे, तो सेल्फ प्लेजरिज्म जो है ऐसा होता है कि अगर मैंने कोई आर्टिकल लिखा है, मेरा आर्टिकल का नाम है शिक्षा कब क्यों और कैसे, तो उसके अंदर मैं किसी एक जर्नल में आर्टिकल अपना लिख देती हूँ, द हिंदू में ही मैं देती हूँ शिक्षा कब क्यों और कैसे, और वही आर्टिकल कुछ टाइम बाद या सेम उसी टाइम पे मैं किसी और जर्नल या मैगजीन में देती हूँ और वहाँ वो प्रिंट होता है, तो सेल्फ प्लेजरिज्म हुआ। अगर मैं उसी आर्टिकल का कुछ और पोर्शन, केवल पूरा आर्टिकल ना देखे, शिक्षा कब और क्यों देती हूँ किसी और मैगजीन में, वो छपता है, तो सेल्फ प्लेजरिज्म है। और सेल्फ प्लेजरिज्म के बारे में हमारे इंडिया में बहुत कम अभी अवेयरनेस है, क्योंकि जो सेल्फ प्लेजराइज कर रहे हैं उनको लगता है ये तो मैंने ही लिखा है, मुझे किसी से परमिशन लेने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है, तो सेल्फ प्लेजरिज्म पे एक अवेयरनेस क्रिएट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अवेयरनेस ना होने के चक्कर में जो राइटर हैं वो सेल्फ प्लेजराइज कर देते हैं मैटर अपना। जी, यहाँ पर श्वेता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्लेजरिज्म और कॉपीराइट के बीच में अगर मैं अंतर देखूँ तो किस प्रकार से है? हाँ, इसको भी मैं एक स्लाइड के थ्रू बताना चाहूँगी, स्लाइड नंबर 8 है वो। कॉपीराइट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कॉपीराइट और प्लेजरिज्म दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्लेजरिज्म is just a moral issue, it's an ethical concept, और जो copyright है वो एक legal concept है। अगर हम किसी का काम किसी की permission के बगैर लेते हैं, जिसका credit किसी और को मिल चुका है, उसको वो copyright infringement में आता है। लेकिन अगर हमने किसी का काम लिया है और उसका सोर्स नहीं लिखा या उसको साइट नहीं किया या उसको क्रेडिट ही नहीं दिया हमने अपने पेपर में, और वो आदमी कोई लीगल एक्शन नहीं लेता है, तो वो प्लेजरिज्म है। और एक एरिया ऐसा भी आता है जहां प्लेजरिज्म कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में बदल सकता है। द मोमेंट दैट समबडी टेक्स एन एक्शन एंड हैज एक्चुअली गॉट अ कॉपीराइट on his or her work, then that comes under copyright infringement. किसी का concept चोरी करना plagiarism है, किसी का concept उससे बिना पूछे जिसने उसके copyright को अपने copyright में register किया हुआ है उसको use करना copyright infringement है। एक बहुत thin line है जी, ये डिफरेंस है कॉपीराइट और प्लेजरिज्म में। अगर मैं कोई इमेज या कोई वीडियो गूगल से या किसी भी वेबसाइट से लेना चाहूँ विदाउट परमिशन, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये गुड क्वेश्चन है दिव्या, वेरी गुड। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कोई किताब लिख रहे होते हैं या अब एनसीईआरटी है तो कोई टेक्स्ट बुक्स लिख रहे होते हैं जी, तो हमें बहुत सारी इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है या बहुत सारे ऐसे मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है जो कि वेल नोन फैक्ट है। जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 47 में, अब ये सबसे पहले किसने लिखा होगा?
या छोटे बच्चों के लिए नर्सरी राइम्स होती हैं, मछली जल की हैरानी, ये इसका कॉपीराइट आप किससे लिखेंगे? किसी से नहीं. तो देर इज सम मटेरियल विच इज अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन. तो वहाँ से आप जब गूगल सर्च करते हैं तो एक होता है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस. आप वहाँ से, वहाँ पे जो इमेजेस हैं या वहाँ पे जो मटेरियल है वो लोगों ने क्रिएट करके एक ऐसी साइट पे डाला हुआ है, ऐसी जगह में डाला हुआ है जहाँ से आप बिना किसी से पूछे वो ले सकते हैं. लेकिन फिर भी आपको प्लेजराइज करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपको वो साइट से जहां से आपने वो लिया है, मतलब क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस की साइट से, उसका सोर्स देना बहुत जरूरी है. आप जरा कोई भी एक स्लाइड खोलें, जरा 9 नंबर या 10 नंबर कोई भी खोलें. इसमें देखिए, मैंने ये स्लाइड्स भी बनाई हैं, तो मैंने तो खुद प्लेजरिज्म के बारे में कभी नहीं लिखा, लेकिन मैंने ये स्लाइड्स में, आप नीचे राइट हैंड साइड कॉर्नर में देखेंगे, हर स्लाइड के नीचे मैंने एक सोर्स दिया हुआ है जी. क्योंकि मेरे पास इतना वक्त तो नहीं था कि मैं लोगों से कॉपीराइट परमिशन लेती रहूं, लेकिन कुछ एकेडमिक यूसेज के लिए कुछ मटेरियल होता है जो कि आप यूज कर सकते हैं, आप उसका सोर्स लिखें, दैट इज इनफ. जो साइट्स, आजकल ऐसा भी हो गया है कि जो, अब आजकल इंटरनेट का इतना वो है और ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, तो आजकल ऐसा भी है कि लोग जो क्रिएट करते हैं अपना मटेरियल, वो उसमें लिख देते हैं कि इसका कॉपीराइट हमारी फलां जगह से लिया जाए, हमसे मांगा जाए, हम उसकी परमिशन देंगे, उसके कुछ पैसे भी चार्ज करते हैं. जहाँ नहीं लिखा होता और जहाँ CCL के अंडर लिया जाता है, वहाँ से आप उसको फ्री में ले सकते हैं. एक व्यूवर से हमारे, जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि इन आवर एग्जाम वी आर बीइंग आस्क्ड टू राइट एग्जैक्ट वर्ड दैट ऑफ टेक्स्ट बुक, वी आर नॉट प्रमोटिंग प्लेजरिज्म और टेंडेंसी टू डू द सेम. हाँ, व्हेन यू आर राइटिंग इन एन एग्जाम, ये किसी स्टूडेंट ने ही लिखा होगा, आई एम श्योर. अशोक है, 12th क्लास में है ये. हाँ जी, बहुत अच्छा है. मेरे को इसमें एक मौका मिला है एक और बात बताने का जी. जो हायर स्टडीज के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी आउट ऑफ स्कूल, यानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जी, उनके लिए प्लेजरिज्म के जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं बाय UGC, वो लागू होते हैं. जो छोटे बच्चे हैं, उनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उनके एग्जाम में अगर डेफिनेशंस हूबहू लिखने को कहा गया है, तो कई डेफिनेशंस, अब फर्ज करो वो फॉर्मूला है E=MC², अब वो तो आप किससे कॉपीराइट लेने वाले हैं या किससे पूछने वाले हैं? वही चीज़ पब्लिक डोमेन वाली है. कुछ होते हैं एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स, उनकी डेफिनेशन, उनकी चीज़ें आप हूबहू लिख सकते हो, उसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं है, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है बताने का, वही तरीका है, इट्स एन एस्टैब्लिश्ड थॉट. अशोक जी, आई होप आपका ये वाला सवाल का आंसर मैंने सैटिस्फैक्टरीली दिया हो. जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका यहाँ पर प्रश्न करने के लिए. अगर और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. मीनाक्षी जी, मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी कि अगर मैं कुछ अपना राइटअप लिखना चाहूँ और मैं चाहती हूँ कि वो प्लेजरिज्म के दायरे में ना आए, उससे अलग हटकर रहे, तो मुझे क्या क्या उसके लिए करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर आप कुछ लिखना चाहती हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस पर आपको इन डेप्थ स्टडी करनी होगी. जब आप वो इन डेप्थ स्टडी करेंगी तो हो सकता है आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस आए जी. और वो जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप के जो टीचर्स हैं या जो उस एरिया के एक्सपर्ट्स हैं, आप, ज़रूरी है आप उनसे कंसल्ट करें वो क्वेश्चंस, उनसे उन क्वेश्चंस के रिप्लाई लें, जो आपकी क्वेरीज हैं वो आप वहाँ से सॉल्व कराएं. उसके बाद जब आप ये कर लेती हैं तो आपको एक क्लियर विज़न मिल जाएगा कि आपको लिखना क्या है और क्या चीज़ें उसके अंदर लिखनी है. मान लीजिए आपको कोई आर्टिकल ही लिखना है और आपको उसके अंदर अपने कुछ एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व करने हैं, तो वो एक्सपीरियंसेस आपको इन्वॉल्व करने हैं, जो भी आपका सीनियर है या जिससे भी गाइडेंस ले रही हैं, तो वहाँ उनको बताएं कि ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे अपने पेपर में किस तरीके से देने हैं, तो वहाँ वो आपको हेल्प करेंगे कि आपको किस तरीके से देने हैं. उसके बाद अगर आपको कुछ और भी लिखना है, अगर आपको कुछ एज इट इज़ कहीं से आपको कोई
मैटर लेना है तो आप एज इट इज़ वो मैटर लेते हैं तो उसका सोर्स क्लियरली दें. जैसे मान लीजिए आपने किसी बुक से कुछ कोट किया, उस कोट में जो उस बुक का नाम, ईयर, पब्लिकेशन जो है, वो कहाँ से वो पब्लिश हुई है, राइटर का नाम, ये सब चीज़ें जो हैं ज़रूरी हों कि वहाँ पे क्लियर तरीके से लिखी हों, सो दैट अगर किसी और को भी वो बुक देखनी है तो उसको ढूंढने में ज़्यादा परेशानी ना हो और वो ईजिली देख पाए. जी श्वेता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ दिव्या, इसमें मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूँगी कि इन्होंने बताया कि प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए. मैं उसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि प्लेजरिज्म को सिर्फ अवॉइड ही नहीं करना, लेकिन प्लेजरिज्म ना हो उसके लिए आप अगर तीन चीज़ें याद रखें. आप सब ने क्वेश्चंस के वर्ड्स तो पढ़े होंगे, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, उसमें से तीन अगर आप याद रखें, तीन W's. प्लेजरिज्म क्यों होता है, अगर आपको ये याद है कि आपने लेजीनेस नहीं करनी, आपने टाइम के प्रेशर में आके आपने लोगों की चीज़ें नहीं लेनी, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि हमने अवॉइड ही क्यों करना है. प्लेजरिज्म हमने इसलिए करना है ताकि रीडर को ये पता चले कि आपने जो भी कुछ आप कोट कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी आपकी नहीं है, वो किसी और का क्रेडिट भी है. उससे दो तीन चीज़ें और होती हैं. एक चीज़ कि रीडर को पता चलता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी हाई है, क्योंकि उसको ये पता चलता है कि आपने अपना टॉपिक जो है फुल्ली रिसर्च करके लिखा है. उनको ऐसे नहीं लगता कि बस दिल में आया और एक कहानी लिख दी, नहीं. तो वो एक वाई अगर आप आंसर कर लें तो आप अवॉइड कर पाएंगे. दूसरी चीज है कब 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 आप प्लेजराइज करते हैं, झूठ और सच के बीच में डिफरेंस क्या है. जी. मतलब एक चीज, एक वर्ड है छोटा सा, प्लेजरिज्म में काफी यूज होता है व्हेन एक्सप्लेनिंग प्लेजराइजेशन, वो है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का मतलब होता है अपने आप से झूठ ना बोलना. वो इंटीग्रिटी अगर है तो आप ये सोच पाएंगे कि हमने किसी और का मटेरियल लिया है कि नहीं लिया, क्योंकि लिखते वक्त हम कई बार ये भूल ही जाते हैं कि ये तो किसी और का थॉट था. तो जब भी किसी चार्ट को या किसी की चीज़ पैराफ्रेज कर रहे हो, उसको विद इन कोटेशंस दीजिए, बाकायदा नीचे लिखिए ये फलाने आदमी का है, ये फलाने जने का है. जी. और एक हमारे दर्शक हैं अनीश, और ये जानना चाहते हैं कि कोई जो डॉक्यूमेंट है वो प्लेजरिज्म के दायरे में है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? हाँ, प्लेजरिज्म के लिए को चेक करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं. जी. एक है मतलब ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, गूगल एक है उसमें से. और अगर आप स्लाइड नंबर 15 या 16 पे जाएं तो उस पर मैंने एक स्लाइड्स की लिस्ट बनाई, सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट बनाई है, 19 नंबर है. जी. ये फ्री चेकर्स हैं. अगर आप वैसे गूगल पे भी डालेंगे तो भी वो आ जाता है. नहीं तो एक है टर्न इट इन, जो कि समटाइम्स द ऑफिशियल पीपल आल्सो रिकमेंडेड. अदर्स आर डुप्ली चेकर, कॉपी लीक्स, पेपर रेटर, प्लेजरिज्म, ऐसे करके बहुत सारे हैं. और इनमें ये खरीद के भी मिलते हैं, पर वैसे मोस्टली 80% आप इसमें अपना पेपर का प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो. ये हैं इसके टूल्स. जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनीश जी आपका यहाँ पर प्रश्न करने के लिए. अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, हमसे ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं. और मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ प्लेगरिज्म है या नहीं, इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हैं? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, इनफैक्ट बहुत ज़रूरी सवाल है. मैं ये बताने से पहले एक छोटी सी चीज़ और बताती हूँ कि ये मैं जो टूल्स के बारे में बता रही थी कि प्लेजरिज्म के टूल्स क्या होते हैं, इसमें ना कई बार क्या होता है कि जब आप मटेरियल पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, तो उसमें लिखा होता है जो आपका टूल चेकर है, फर्स्ट करो आपने टर्न इट इन में चेक करा है, तो उसमें एक वेबसाइट दिखा देगा शायद विकिपीडिया. अब विकिपीडिया में जो लिखा हुआ है वो जरूरी नहीं है आपने प्लेजराइज किया हो सकता है आप ही का लिखा हुआ किसी ने विकिपीडिया में लिखा है. तो ये जानना जरूरी है कि रिलायबल सोर्स क्या है और अनरिलायबल सोर्स क्या है, कोई भी चीज कॉपी करने का.
इसमें कुछ रिलायबल सोर्सेज हैं, जैसे जो वेबसाइट्स होते हैं उसके एंड में AC यानी अकेडमिक, AC.IN या ये IN इंडिया हुआ, AC.कंट्री का नाम हो, GOV हो एंड में, या ORG हो, ये कुछ ऑथेंटिक साइट्स होती हैं. और विकिपीडिया और विकीलीक्स ये वाली जो साइट्स हैं, दीज आर एडिटेबल साइट्स. इसका मतलब ये है कि कोई भी रीडर वहां जाके शायद आप ही का पेपर लेके वहां पे कुछ बदल के उसमें लिख दे. सो दैट इज व्हेन यू आर चेकिंग प्लेजरिज्म, प्लीज मेक श्योर कि वो विकिपीडिया की साइट से ना हो. जी. अब आपका प्रश्न था कि क्या सरकार ने इसके लिए कुछ किया है. हाँ, अभी जैसे मैं बोल रही थी कि पिछले ही साल अवेयरनेस तो हमारी पिछले शायद एक डेकेड से है, कोई 10 सालों से है, लेकिन पिछले साल एक UGC का नोटिफिकेशन है, मैं अभी थोड़ी देर में उसके बारे में उसको दिखाऊंगी, मैं आपको एक्चुअल गैजेट दिखाऊंगी. उसके पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि उस UGC के नोटिफिकेशन में, ये 2018 इनफैक्ट आज एक तारीख है ना जी, कल ही एक साल हुआ है उस नोटिफिकेशन को, 31 जुलाई को वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था. उसमें बकायदा प्लेजरिज्म से के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कि कोई बंदा प्लेजराइज करता है तो क्या करना है. तो अगर तो वो कोई स्टूडेंट है, उन्होंने क्या करा है, UGC ने 4 लेवल्स बनाए हैं. 10% तक आप ले सकते हैं किसी का काम, 10 से 40% तक अगर कोई स्टूडेंट किसी का काम ले रहा है तो उसकी थीसिस, उसका रिसर्च वर्क, उसका वो, उसको दोबारा एक मौका दिया जाएगा कि वो विदिन 6 महीने उसको ठीक करके बिना प्लेजरिज्म के उसको दे. आप कृपया, ताकि लोगों को अच्छे से पता चले, आप स्लाइड नंबर 21 खोल लीजिए प्लीज, ताकि वो पढ़ सकें. मेरे बोलने में कुछ वो भी हो सकता है. अगर 10-40% प्लेजराइज्ड मटेरियल है या सिमिलैरिटी दिखाई देती है तो बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंस है. द स्टूडेंट कैन बी डीबार्ड फ्रॉम सबमिटिंग अ रिवाइज्ड स्क्रिप्ट फॉर 1 ईयर. मतलब 1 साल तक वो अपनी स्क्रिप्ट दोबारा नहीं दे सकता अगर 10-40% सिमिलैरिटी पाई गई है या प्लेजराइज्ड मटेरियल पाया गया है. 10 से 40 है तो रिसर्चर हैज टू रीसबमिट द रिवाइज थीसिस विद इन 6 मंथ्स. 40-60 है तो द स्टूडेंट विल बी डिबार्ड फ्रॉम सबमिटिंग रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर 1 ईयर. और अगर 60 से ज्यादा है तो स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन ही खत्म हो जाती है. जी. सिमिलरली टीचर्स के लिए भी एक ऐसा रूल है, नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें 10% तक कोई पेनल्टी नहीं है. 10 से 40 तक वही मैनुस्क्रिप्ट विड्रॉ करनी होती है. 40 से 60 तक उनकी 1 साल की इंक्रीमेंट रुक जाती है. वो किसी को मास्टर्स, वो सुपरवाइजर नहीं बन सकते किसी की मास्टर्स या PhD स्टूडेंट के. और अगर 60 से ऊपर हो तो 2 साल की इंक्रीमेंट नहीं मिलती, उनकी मैनुस्क्रिप्ट विड्रॉ हो जाती है. और वो 3 साल तक किसी PhD स्टूडेंट या मास्टर्स के स्टूडेंट को थीसिस नहीं करवा सकते. और अगर यही वाली चीजें रिपीट हों तो जो, जैसे उन्होंने 10% से ज्यादा, 10-40% वाली रिपीट की है, तो उनपे नेक्स्ट वाला जो वो है वो लागू होगा. तो ऐसे करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि गैजेट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है. ये गैजेट UGC का जो नोटिफिकेशन है ये 31 जुलाई 2018 को उन्होंने लागू किया था. और इसके क्लॉजेस 11-12 में ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया है ये लिखा हुआ है विस्तार पूर्वक. ये UGC की वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगा. और मैं ये सोचती हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं वो इनको क्या नाम है, इसको अच्छे से पढ़ें, इसके बारे में जानें और कोशिश करें कि वो प्लेजरिज्म से बचे रहें. जी. अब प्लेजरिज्म से बचने के लिए अगर मैं बात करूं और क्या क्या करना चाहिए, मीनाक्षी जी आप क्या कहना चाहेंगी इस पर?
देखिए आप कोई भी कुछ भी अगर लिखते हैं तो उसके लिए आपको रिसर्च पूरा करना है जी, एक डीप स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप खुद भी कोई एक पेपर पढ़ना चाहेंगी तो कैसा पढ़ना चाहेंगी, जिसमें एक डीप स्टडी हो, जिससे आपको नॉलेज मिले। अगर कोई आपको पेपर मिले जिसमें हर जगह से कॉपी पेस्ट मटीरियल हो, सोर्स ना हो, तो ओरिजिनल उसमें कुछ रहा नहीं। और क्या चार जगह से या दस जगह से ली गई चीज़ें आपको पसंद आएंगी पढ़ना? आपको ओरिजिनली जो है राइटर ने क्या लिखा है वो आपको पता ही नहीं लगा, केवल चार जगह से उठा लेकर देना, तो मुझे लगता है ये आप अपनी क्रेडिबिलिटी को भी हार्म कर रहे हैं और जो जिनके लिए आप लिख रहे हैं उनका भी आप टाइम जो है बर्बाद कर रहे हैं। तो जब भी हमें लिखना है तो एक डीप स्टडी हमें हर एक लेवल पे, केवल पेपर लिखने के लिए नहीं, कहीं भी आपको कोई एकेडमिक काम आपको कोई भी काम करना है तो स्टडी के लगातार आपको टच में रहना है। और गाइडेंस के लिए आपके पास जो भी अवेलेबल सोर्सेज हों, आपके टीचर्स, पेरेंट्स या आपके जान पहचान में कोई भी उस फील्ड से रिलेटेड हों, उनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट में रहें। और बाकी गूगल पे भी अगर आपको कुछ करना है, टाइम टू टाइम आपको ये भी पढ़ना है कि क्या क्या लॉस चेंज हो रहे हैं, प्लेजराइज अगर करना है या नहीं करना, कितना परसेंट लेना है। जैसे अभी UGC का नोटिफिकेशन आया है पिछले साल, उसके अंदर बहुत डिटेल में चीज़ें बताई हैं। तो आप अगर अकेडमिक से रिलेटेड हैं तो वो सब चीज़ें किसी भी एक अकेडमिशन के लिए पढ़ना ज़रूरी है कि अगर हम अपने पेपर लिखना है या कोई बुक लिखनी है तो किस तरह लिखें कि हमारे पास प्लेजरिज्म ना, हम प्लेजरिज्म एक चीज़ अपने पाठकों को ना दें। तो ये सब चीज़ें एक रिसर्च, मैं बोलूँगी किसी भी चीज़ को लिखने के लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है। श्वेता जी, एक होता है कि कोई भी विचारधारा हमारे दिमाग में आई, हमारे मन में आई और हमने उसको पेपर पर उतार दिया। एक होता है कि हम कुछ लिखने बैठ रहे हैं लेकिन हमें कहीं ना कहीं से सोर्स की आवश्यकता है, जैसे हमने 10 बुक्स पढ़ ली या कोई वेबसाइट पर जाके उसकी डिटेल्स पढ़ी, उसके बाद हमने लिखना शुरू किया अपनी लैंग्वेज में, तो क्या ये भी प्लेजरिज्म के दायरे में आता है? हाँ, जब मैंने अभी शायद एक सेंटेंस कहा था कि आप ध्यान से जब रिसर्च करते हैं तो आप और लिखना शुरू करते हैं तो आप ये सोच लें कि ये आइडिया ओरिजिनली आपका है भी कि नहीं है, कि आपने किसी पिक्चर से, किसी म्यूजिक से, किसी कहानी की किताब से आपके दिमाग में बैठ गया है और आपने उसको जरा से कैरेक्टर्स बदल के या कुछ करके आपने उसे लिख दिया है। ये वो इंटीग्रिटी वाली बात है। प्लेजरिज्म इज नथिंग बट जस्ट अ मॉरल इशू एंड समटाइम्स मॉरल इशूज क्रिएट अ लॉट ऑफ लीगल हैसल्स, तो ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। ये तो आपने अपने मन को ही खोजना है कि ये लिख के आप, बेस्ट तरीका तो आजकल तो टूल्स इतने हैं, आपने लिख लिया अपनी मर्जी का जो लिखना है, आप उसको किसी प्लेजरिज्म के टूल से चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि ये आइडिया किसी और का था भी कि नहीं था। जी, और मैम एक प्रश्न आया है यहाँ पर सुभिता का, और ये जानना चाह रहे हैं, व्हेन वी आर राइटिंग डिसर्टेशन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट आर टैग्ड आर अपकमिंग सेकेंड लेवल concept based on books when they are they can not submitted dissertation. एक बार फिर से question पढ़ेंगे क्या? When we write dissertation, most of the time student are tagged as upcoming second level concept based on books. हाँ, शायद सुभिता जी ये पूछना चाहती हैं कि जब हम कोई थीसिस या डिसर्टेशन लिख रहे होते हैं तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सेकंड लेवल का होता है, यानी वो कोई जना ऑलरेडी उसको लिख चुका है और अब आप अपने आप लिखना चाहते हैं, नहीं, ये गलत धारणा है। ऐसा नहीं है कि वो सेकंड लेवल का होना चाहिए। अगर आपने कोई डिसर्टेशन लिखनी है या PhD की थीसिस लिखनी है तो वो जो कॉन्सेप्ट है या जो आइडिया है वो सिर्फ आपका होना चाहिए और किसी का नहीं, उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके लिए आई थिंक द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग दैट UGC रेगुलेशन, उसमें ना ये लिखा हुआ है कि हमें अपने हायर इंस्टीट्यूट्स में अंडरग्रेड लेवल पे भी स्टूडेंट्स को रिसर्च करना सिखाना चाहिए, हाउ टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन प्लेजरिज्म एंड राइटिंग योर ओन क्रिएशन, तो उनकी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है UGC का, टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू फैसिलिटेट रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च थीसिस डिसर्टेशन, टू डेवलप सिस्टम्स टू डिटेक्ट प्लेजरिज्म। नो, इट शुड नॉट बी अ सेकेंड लेवल कॉन्सेप्ट, इट शुड बी योर ओन कॉन्सेप्ट। It cannot, if you are writing on, say, such and such poet as
as a poet of love or something, then it should be your idea. ये established है कि वो poet love का था, लेकिन वो आपका क्या उसमें conclusion है और आप क्यों सोचते हो, ये आप ही का thought process होना चाहिए. So it cannot be a second level concept. आज आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी प्लेजरिज्म के ऊपर, ताकि इस चीज को और ज्यादा बढ़ावा ना मिले? मैं ये चाहती हूँ कि आई मीन आई वुड लाइक दैट ऑल स्टूडेंट्स, वेदर हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स और स्कूल स्टूडेंट्स, दे शुड स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्लेजरिज्म. इनफैक्ट एक अंदर इंटीग्रिटी पैदा करें कि हमने किसी और की कोई चीज लेनी ही नहीं है, वो खुद ही क्रिएट करनी है. मैंने अपना आंसर अपना एनालिसिस के बाद समझ के ही लिखना है. जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए. कल फिर होंगे हाजिर एक नए विषय के साथ, लेकिन आज के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार और देखते रहें किशोर मंच.